हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक देख सकते हो और पहले आप वो भी पढ़ सकते हो। आज हम सेवन पॉइंट करेंगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। इसमें ये डिफरेंस बताया हुआ है। एक है लैंड ओनर, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। दूसरी तरफ है गरीब लोग, जैसे सविता और गोविंद सन है यहाँ पर। इनके पास जो है प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि इनके पास ज़मीन भी कम होती है। तो ये डिफरेंस इसमें बताया हुआ है। जो जिनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो तो अपना वही बेचेंगे ना, नहीं तो सविता और गोविंद जैसे जो होते हैं लोग, गरीब लोग, इनका तो सेल्फ कंजप्शन में ही चला जाता है, या फिर थोड़ा बहुत पार्ट बचता है जो ये बेच सकते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट। अब जिनके पास मीडियम या फिर लार्ज उनके पास लैंड होगी, वही बेचेंगे। जो आप पिक्चर 1.1 में पीछे फर्स्ट पेज पर देख सकते हो, बुलक कार्ट पर लेकर जा रहा है माल फार्मर अपना। इसके बाद है शॉप की, अब ये सीधे नहीं बेचेंगे, ये ट्रेडर्स को बेचते हैं और ट्रेडर्स आगे शॉपकीपर को बेचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। जैसे यहाँ पर पीछे हमने लैंड ओनर पढ़ा था, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर। इसके पास बहुत ज़मीन थी तो इसको कितनी उपज हुई थी, 350 क्विंटल इसके पास वीट हो गया था। वट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। अब वो अपनी इतनी अर्निंग से क्या करेगा, वो तो सब कुछ कर सकता है ना, वो बैंक अकाउंट में भी जमा करवा सकता है, ताकि वो फर्दर जब उसको फ्यूचर में फार्मिंग करनी पड़ेगी तो अपने टूल्स वगैरह वो खरीद सके और गरीब किसानों को लोन दे सके, ठीक है। तो तेजपाल ने क्या किया, कुछ बैंक में पैसे जमा करवा दिए ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके उसको। और एक उसने और प्लानिंग की कि वो एक नया ट्रैक्टर खरीद लेगा ताकि उसको और इजी हो जाए फार्मिंग करने के लिए। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब तेजपाल और बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनके पास ज़मीन होगी, वो अपना बेचते हैं और पैसे कमा लेते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एज कैप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। जैसे पहले बताया, नेक्स्ट सीजन के लिए अपना सेव कर लेते हैं मनी को। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। तो वो अपनी सेविंग में से खरीद लेते हैं, जबकि गरीब लोगों को क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और फिर लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। तो इस तरह लैंडलेस पीपल होते हैं जो, उनको थोड़ी सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। बच्चों, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि 75% लोग जो हैं यहाँ पर फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, ओनली 25% ही लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसमें कई एक्टिविटीज आ जाती हैं। फर्स्ट हमारी यहाँ पर है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में खेती के साथ साथ जैसे वो पशु रखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो दूध बेचकर इनकम गेन कर सकें। तो मिल्क कहाँ बेचने जाते थे, रायगंज में बेचते थे, या फिर वहाँ पर शाहपुर से दो ट्रेडर्स आ गए थे जिन्होंने वहाँ पर डायरी फार्म ओपन करके उनसे कलेक्ट करके वो सिटीज़ और टाउन्स में बेचने लगे थे। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस। जैसे हमने पहले बोला है कि किसी के पास कम लैंड होती है, किसी फार्मर के पास ज़्यादा लैंड होती है। यहाँ पर आपको एक कॉलम बनाकर दिए हुए हैं और हमने ये सॉल्व भी करना है। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया एक कॉलम, आगे दो कॉलम और हैं, वो आपने खुद करने हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर तीन फार्मर्स को यहाँ इन्होंने कंपेयर करके हमें एक एग्जांपल दिया कि फर्स्ट ईयर मान लो प्रोडक्शन 100 हुई, ठीक है। उन्होंने घर के लिए भी रखना है थोड़ा बहुत, अपनी फैमिली के लिए कंजप्शन भी करनी है, 40 उन्होंने कंजप्शन कर ली। और उसके बाद सरप्लस क्या हुआ उनके पास बेचने के लिए, जो बेचते हैं उसको सरप्लस बोलते हैं, वीट। तो 60 बच गया इनके पास। सरप्लस इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन।
कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब ये 60 को किस लिए यूज़ करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए. इससे वो अपना टूल भी खरीद सकते हैं, लेबरर भी हायर कर सकते हैं. तो इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन बताई है कि यहाँ पर हमें इसकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी नेक्स्ट टाइम. 120 होगी 60 की, तो इसमें से कंजप्शन होगी, सरप्लस कितना बचा 80. नेक्स्ट 160 हो गया, फिर ऐसे ही बढ़ता गया. अब ये तो है बिग लैंड ओनर के बारे में. इसके बाद का डिफरेंस आप खुद सॉल्व करोगे. ये देखिए टू टेबल्स और हैं ये आपके पास. अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अब छोटे स्तर पर भी वहाँ पर काम करते थे लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ये काम बहुत ही कम मात्रा में. जैसे कि पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं कि फार्मिंग ही था उनका मेन ऑक्यूपेशन, तो लेकिन फिर भी थोड़ा जो जिनके पास कम लैंड होती थी या फिर जो इनकम बढ़ाना चाहते थे वो अलग से काम करते थे. जैसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पढ़ रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग में ये ज़्यादा कोई बड़े काम नहीं करते थे, सिंपल प्रोडक्ट्स ही बनाते थे. इन स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ के लिए उनको ज़्यादा लेबरर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. तो रेयरली आर लेबरर हायर्ड, बहुत कम ही वो लेबर हायर करनी पड़ती है उनको. यहाँ पर इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है. देखो हर कॉन्सेप्ट के बाद इन्होंने एक पर्सन का एग्जांपल लेके आपको सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ही कॉन्सेप्ट समझाने हैं. मिश्री लाल है यहाँ पर, इसने क्या किया, शुगर क्रशिंग मशीन खरीदी जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती थी. और पहले ये कैसे करता था, ये वाला काम ब्लॉक की हेल्प से करता था. तो मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी. और ये दूसरों से भी शुगर केन लेकर गुड़ बनाने का काम भी करता था और आगे शाहपुर में इसको बेचता था. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, थर्ड पॉइंट है ये. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर. ट्रेड में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे लोग, थोड़ा ही काम था ट्रेड का भी इनका. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स थे, जो वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेलर से ही खरीदते थे. वो मैन्युफैक्चरिंग का भी काम ज़्यादा खुद नहीं करते थे, बना बनाया माल लाकर और दुकानों पर बेच देते थे विलेजेस में. इसमें ये सामान है थोड़ा राइस वीट. ये अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड, जो बस स्टैंड के पास हाउसेज होते थे वो अपनी दुकानें खोल लेते थे और वहाँ पर ईटेबल्स सोल्ड करते थे. इस चैप्टर में प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्शन की डिटेल के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए भी आइडियाज़ बताए हुए हैं. जैसे हर एक स्टोरी के बाद जो आपके एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें ये बताया हुआ है कि हम अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए, अगर हमारा इकोनॉमी सिस्टम सेट नहीं है, अगर हमारी जो वेजेज हैं हमको कम पड़ रही हैं, फार्मिंग भी हमारे पास लिमिटेड है, तो हम अपने एडिशनल वर्क भी कुछ कर सकते हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए. यहाँ पर एक वन मोर एग्जांपल है करीम की. करीम मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी ये एग्जांपल्स, तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पहले वाले एग्जांपल्स भी. करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर. करीम ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया, गाँव में कंप्यूटर सेंटर खोल लिया जहाँ पर स्टूडेंट्स शाहपुर से भी आने लगे और विलेज में जो पढ़ी लिखी औरतें थी घर पर रहती थी उनको भी काम मिल गया. वो भी कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिए, उनको भी थोड़ी इनकम आने लग गई. जब उसका जैसे काम बढ़ गया तो उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर खरीद लिए, उसने बहुत सारे कंप्यूटर खरीद लिए अपना और काम बढ़ाने के लिए. और हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. अब बहुत सारी मात्रा में हाई स्कूल के बच्चे भी उसे कंप्यूटर सीखने वहाँ पर आने लगे. चलिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का फोर्थ पॉइंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है. जैसे यहाँ पर पालमपुर में रायगंज तक जाने के लिए रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप वाला, ट्रक ड्राइवर ये सामान और पीपल्स को इधर से उधर ले जाकर अपने वेजेस गेन करते थे. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. ट्रांसपोर्ट का काम करके भी कईयों ने अपने इनकम के सोर्सेज
बढ़ा ली हैं। इसका भी यहाँ पर एक एग्जांपल है, किशोर इज अ फार्म लेबरर, ये एक फार्म लेबरर है, लेबर करता है दूसरे के फार्म पर, लैंड पर, लाइक अदर सच आर लेबरर्स, दूसरे लेबर्स की तरह, लेकिन फिर भी उसकी नीड्स जो है वो पूरी नहीं होती उन वेजेस से। ओके, अ फ्यू ईयर बैक फिर वो क्या करता है अपनी इंक्रीज करने के लिए इनकम, दिस इज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन, वो एक लोन ले लेता है जिससे वो एक बुफेलो पाल लेता है ताकि वो भी मिल्क बेचकर इनकम बढ़ा सके। इसके बाद उसने उसके पीछे वुडन कार्ट को फिक्स करके अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू कर दिया, अब वो माल भी इधर से उधर लेकर जा सकता था। उसके बाद एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक, अब पिछले साल की बजाय उसकी इनकम बढ़ गई थी। तो फ्रेंड्स, पार्ट फोर्थ के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें ताकि अगली वीडियो भी आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।